क्या आपके पैर के नसे यानी कि वेन्स फूगे हुए दिख रहे हैं? क्या आपके नसे या वेन्स ब्लूइश पर्पल कलर के दिख रहे हैं? क्या आपके पैरों में दर्द होता है या झुंझुनाहट होती है? अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो शायद आपको वेरिकोज नाम का कंडीशन हो सकता है। आज हम ये जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स किन लोगों में हो सकता है। हेलो और नमस्ते, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट, VeinMD, वेरिकोज वेन सेंटर पुणे से। देखिए, वेरिकोज वेन्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पैर की नसें यानी कि वेन्स बल्ज्ड, ट्विस्टेड और स्वेलिंग हो जाती है उनमें। इसमें आप वेन्स को ठीक काम कर नहीं पाते। वेन्स में एक वन वे वॉल्व होते हैं जो ब्लड को उल्टा या बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं। जब ये वॉल्व अपने फंक्शन नहीं कर पाते तो ये इसमें ब्लड कलेक्ट होने लगता है, फिर वेन्स ब्लड से ओवरफिल होती है और इसी की वजह से वो ट्विस्टेड या स्नेक जैसी बन जाती है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स के और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप हमारे बाकी के वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वेरिकोज वेन्स की रीजंस पे ध्यान देंगे। वेरिकोज वेन्स का सबसे कॉमन रीजन है इंक्रीज्ड एज। जिन लोगों में 40 साल की उम्र पार कर गए हो उनमें वेरिकोज वेन होने की शक्यता ज्यादा होती है। उम्र के साथ हमारे वेन्स के वॉल्व जो है वो वीक होने लगते हैं, ये ठीक से ब्लड फ्लो को रेगुलेट नहीं कर पाते और इनका बैक फ्लो शुरू हो जाता है। अगला एक कॉमन रीजन है जेंडर। ये कंडीशन वेरिकोज वेन्स जो है वो मेल्स से ज्यादा फीमेल्स में, मतलब महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाएं जेनेटिकली ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती है कि उनको वेरिकोज वेन्स हो, इसका कोई कारण नहीं है, बस वो होती है प्रीडिस्पोज्ड। महिलाओं में जो स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको वेरिकोज वेन होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। वेरिकोज वेन्स प्रेगनेंसी में ज्यादा क्यों होती है? तो प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीरों में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना, या फिर हमारे जो वेन्स होते हैं उनमें ब्लड का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। यूटेरस जो होता है, गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं, वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होता है तो उसका साइज बढ़ने लगता है। ये बड़ा हुआ गर्भाशय वेन्स पे प्रेशर डालता है जिससे लेग्स से ऊपर हार्ट तक ले जाने वाले जो मेन वेन्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। इस कंप्रेशन की वजह से फिर लेग के वेन्स जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं, इसीलिए हम प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस ज़्यादा देखते हैं। फिर ओबेसिटी या मोटापा जो होता है, यानी बहुत वेट गेन होने पे वेन्स पे प्रेशर आ जाता है और फिर वेरिकोज वेन्स हो सकता है। मोटापे में ऐसा भी होता है कि बहुत सारा फैट हमारे लेग्स और एब्डोमेन में तैयार होता है और ये वेन्स के आजू बाजू जो फेशिया करके टिश्यू होता है जो वेन्स को सपोर्ट करता है इसको लूज कर देता है, इसीलिए ओबेसिटी या मोटापे में वेन्स वेरिकोज वेन्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा दिखते हैं। अगर आपका जॉब ऐसा हो कि आपको कंटिन्यूअस बहुत घंटों तक स्टैंडिंग रहना पड़ता हो या कंटिन्यूअस बहुत घंटों तक सिटिंग रहना हो पड़ता है तो भी वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ता है। ऐसा क्यों? तो हमारे लेग से नीचे हार्ट तक ले जाने के लिए जो एक पंप लगता है, एक नेचुरल पंप मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में जिसे हम काफ मसल पंप कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे लेग्स के जो मसल्स होते हैं उसके बीच में वेन्स होते हैं। जब हमारे लेग्स का हम मूवमेंट करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिसकी वजह से वो वेन्स के बीच में जो ब्लड वेन्स होता है वो पुश हो जाता है ऊपर जाने के लिए। तो हम अगर बहुत देर तक कोई मूवमेंट के बिना अगर खड़े रहे या बैठे रहे तो वह ब्लड इसमें स्टैग्नेट हो जाता है, ये काफ मसल पंप उस वक्त काम नहीं करता और वेरिकोज वेन्स का चांसेस फिर इंक्रीज होता है। इसीलिए हर 1-2 घंटे के बाद हमें हमारा पोजीशन चेंज करना चाहिए। अगर स्टैंडिंग है तो थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, सिटिंग है तो उठ के थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए। अगला एक कॉमन रीजन है जिससे वेरिकोज वेन्स ज़्यादा होता है वो इंक्रीज्ड हाइट। जिन लोगों का हाइट ज़्यादा होता है उनमें हम वेरिकोज वेन्स ज़्यादा दिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं वो है फैमिली हिस्ट्री। हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता जो होता है जो हम कभी बदल नहीं सकते, इसकी वजह से बहुत वेरिकोज वेन्स दिखता है। अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है आपके पिताजी में, माताजी में या नानाजी में जो वेरिकोज वेन्स अगर पहले हुए हो तो आपको भी वेरिकोज वेन्स होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आपको ये वेरिकोज वेन्स है तो
तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, चाहिए तो अल्ट्रासाउंड डॉपलर एग्जामिनेशन करने बोलेंगे, आपको फिजिकली एसेस करेंगे और फिर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पा देंगे। जैसे कि हम VeinMD में अलग अलग ट्रीटमेंट जो सजेस्ट करते हैं, एंडोवीनस लेजर एब्लेशन, फोम स्क्लेरोथेरेपी, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड है। अगर आप वेरिकोज वेन्स को समय पर नहीं ट्रीट करते तो पेनफुल जख्म यानी कि अल्सर्स या ब्लीडिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए इन पे समय पे ट्रीट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने वेरिकोज वेन्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम ज़रूर डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, फिट रह के, वेन्स का या काफ मसल पंप का एक्शन अगर हम शुरू रखें तो। अगर आपको वेरिकोज वेन्स होने वाले हैं तो हम उनको डिले या उसका प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकते हैं। और आप हमारे, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है वेरिकोज वेन्स के बारे में तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस आंसर ज़रूर कर पाएंगे। वेरिकोज वेन्स एक बहुत सोसाइटी में कॉमन कंडीशन है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में क्योंकि इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारे लोगों इसको निग्लेक्ट करते हैं या बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। लोग समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है और उसी के साथ कंटिन्यूस रहने लगते हैं। जब ही वो प्रोग्रेस होके उसके कॉम्प्लिकेशंस जब होने लगते हैं तभी लोग फिर उस पर ध्यान देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जितना जल्दी हो सके वेरिकोज वेन्स का सेल्फ केयर या उसका ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, ताकि फिर आगे जाके इसका कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तब फिर उसका ट्रीटमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं वही यही एडवाइस करूँगा, आपके लेग्स का केयर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो रहे हैं या होने के चांसेस है, तो ज़रूर आपके नज़दीक के जो डॉक्टर है उनको दिखाइए, उनकी सलाह लीजिए, वो आपको ज़रूर प्रॉपर वे दिखाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। हैव अ गुड डे।